जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी च सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी श्री दरबार साहब जी के आबा मंडल दे विच सुभाईमान श्री अकाल तख्त साहब जी के उत्ते जुड़ बैठी साध संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी जून 1984 के घल्लूघारे के दौरान शहीद होने वाले महान शहीदा सिंघां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हां। मेरे तो पहला मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी श्री दरबार साहब जी ने आप जी नूं संबोधन होंदिया कहा, इस घल्लूघारे दे विच जिथे सिख कौम दे मर्दे मुजाहद बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, जनरल सुबेग सिंह जी सहित अनेक शहीद सिंघां सिंघणियां ने महान कुर्बानियां कीतियां। छोटे छोटे बच्चे इस्त्रियां तक नूं भारतीय फौज ने नहीं बख्शिया। जिस तरह 1962 दे विच भारत ने चीन ते हमला किया, 1965 ते 71 दे विच पाकिस्तान ते हमला किया, श्री अकाल तख्त साहब जो सिखां दी स्वतंत्र प्रभु सत्ता का प्रतीक है, बिल्कुल पाकिस्तान ते चीन वांग ही इस महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते उस वक्त की भारत की हुकूमत ने हमला किया और उही व्यवहार किया इत्थे जो व्यवहार जेतू फौजां जिहड़ियां किसी मुल्क दियां वह दूसरे मुल्क दे विच जाके उन्हां दे बशिंदियां दे उत्ते भी शायद ना करन, लेकिन साढ़े नाल उस तों भी भैड़ा माड़ा मंदा सलूक जिहड़ा है भारतीय फौज ने इस घल्लूघारे के दौरान इस स्थान के उत्ते कीता है। एक ऐसा नसूर है सिख कौम के पिंडे के उत्ते जड़ा सारा साल रिसदा रहिंदा है, मैले नाल भर जांदा है, पीड़ करदा है, दर्द करदा है, और अज दे दिन असी खालिस्तान जिंदाबाद कह के उस मैली नूं बाहर कढ़दे हां ताकि साड़ी पीड़ ठंडी होवे, साड़ा दर्द घट होवे। इनू भुलाया नहीं जा सकता, इनू मेटिया नहीं जा सकता, ये हमेशा तक याद रहूगा। मैं कहना चाहना आप जी नू कि असी इस नसूर का इलाज किस तरह करना है, इहदी दवाई की है असी जानते हैं, लेकिन प्राप्त किवें होनी है ये असी कदे सिर जोड़ के बैठ के सोचन विचारन दा जतन नहीं किया। अज जरूरत है कि असी अपने मतभेद भुला के, अज जरूरत है कि असी छोटे छोटे वितकरे भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होकर बैठीए। ये जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, सचखंड श्री हजूर साहब बोर्ड है, पटना साहब बोर्ड है, या साडियां संप्रदावां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, ये साडी ताकत है और इस ताकत नूं कदे असी कमजोर नहीं होण देना है। साडा सियासी विरोध वो अलग चीज है, होना चाहिए, लेकिन इन्हां संस्थावां नूं कमजोर नहीं किया जाना चाहिए सियासी विरोध की आड़ दे विच।
सतसंगत जी सानू बहुत सारिया ईमेल आईया कि अज के दिन नू अमृतसर नसल कुशी ऐलानिया जाए। यह जिहड़ा 84 का कल्लू घर है यह सिर्फ अमृतसर साहब के स्थान के उत्ते ही नहीं भारतीय फौज ने हमला किया बल्कि 37 सिंह साहब जी ने भी दस्या 37 होर गुरधामों के उत्ते भी भारतीय फौज ने हमला किया तो उत्थे भी शहादत हुई ने सिंघां दीआं कुरबानियां हुई ने उत्थे सिंघां दीआं। नसल खुशी साड़ी हुई है 1 नवंबर तो 4 नवंबर तक लैके दिल्ली कानपुर टाटा नगर दीआं सड़कां दे उत्ते इत्थे साडे जरवाणियां ने मुकाबला किया है जिनी अकाल पुरख ने मेरी पीरी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने समर्था बख्शी सी उस समर्था के मुताबिक भारतीय फौज नूं मूंह तोड़ जवाब दिता है बिल्कुल उस तरह जिवें 1745 दे विच कानूवाल के छंभ दे विच दिता सी भावें 7000 सिंह बच्चे बच्चियां शहीद हो गए कोपर हीड़े के स्थान के उत्ते मलेरकोटले के वड्डे घल्लूकारे दौरान दिता सी चाहे 35000 सिंह सिंघड़ियां शहीद हो गए उवें 1984 दे विच वी साडे जरवाणियां ने भारतीय फौज नूं गुरू साहिब वल्लों बख्शी समर्था के मुताबक मूँह तोड़वा जवाब दिता है। इस करके कौम इनू 84 का घल्लूकार जिहड़ा है वह प्रवान कर चुकी है सरकार इनू ब्लू स्टार कहती है सरकार इनू साका नीला तारा कहती है कही जाए मैं मीडिया में भी कहना चाहना कि साका नीला तारा ब्लू स्टार ऑपरेशन ये शब्द जिहड़ा है वह वर्तन तो गुरेज किया जाए क्योंकि ये सानू दर्द हुंदा है इनू 84 का घल्लूकारा कहा जाए ये घल्लूकारा सी घल्लूकारे का अर्थ हुंदा है सर्वनाश ये साडा सर्वनाश करन दा यतन सी भारतीय फौज वल्लों जो इस स्थान दे उत्ते कीता गया असी हर साल मनाउने आ मनाउणा चाहीदा वी है सिर जोड़ के बैठीए अंत दे विच मैं इहो कहूंगा मतभेद भुला के बैठीए सियासी विरोध अपनी जगह वो होना चाहीदा। एक गल मैं होर कहां साडी खुशकिस्मती भी है असी मर गए लुट्टे गए निगले गए ये शब्द बहुत वरतदे आ पर असी ताकतवर हैं साडे ते गुरु साहब की कृपा है मस्जिद ढा के मंदिर बना दिता गया कई मुल्क है मुसलमानों दे लेकिन आवाज नहीं उठी धारा 370 खत्म कर दिती गई लेकिन आवाज नहीं उठी ते साडी ये खुशकिस्मती है गुरु साहब की कृपा है पिछले कुछ दिन पहला यूपी दे विच एक सिख की कुटमार हुई अमरीका तक सिखा ने विरोध किया आस्ट्रेलिया के सिखा ने विरोध किया इंग्लैंड के सिखा ने विरोध किया ये साडे जिउंदे होण दा सबूत है पैर दे विच जदों साडे कोई माड़ी जी चोब मारदा है ना तो साडे सिर नूं पता लगता है साडे शरीर नूं पता लगता है ये जिंदा होण दी निशानी है साडे एक सिख दे नाल दुरव्यवहार किया जाता है भारत की धरती के उत्ते या दुनिया के किसी हिस्से के उत्ते साड़ी पूरी कौम जिहड़ी है वह उठ खड़ी हुंदी है पार्लीमेंटां के सामने मुजहरे हुंदे ने एजेंसियां के सामने मुजहरे हुंदे ने यह साडे जिंदा होण दा सबूत है असी जिंदा साडे ते गुरु साहब की कृपा है निराश होण की जरूरत नहीं है। साध संगत जी अंत दे विच बहुत सारी सियासी पार्टियां के आगू शामिल होए ने धार्मिक संप्रदावां दे जथेबंदियां दे मुखी शामिल होए ने शहीद परिवारां दे मैंबर शामिल होए ने मैं सभनां दा ही दिल दीआं गहराइयां दे विच्चों तहे दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करदा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का समुचा स्टाफ प्रधान जी मैंबर साहब सिंह साहिबान हाजिर होए ने सब दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।